हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और सो गाइस, यहाँ पे मैंने काम की शुरुआत अपने मतलब जो डेली के जो काम होते हैं ना, उसकी शुरुआत हो चुकी है। बट डेली जो होता है ना, जो हम लोग जो दिखाती हूँ मतलब डेली रूटीन या जो भी वर्क वगैरह, तो सारा कुछ शेयर, अगर सारा वर्क शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी वीडियो क्लिप ही शेयर करती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैं बच्चों के रूप में आई हूँ, तो ये उनका स्टडी रूम है। यहाँ पे पढ़ाई वगैरह बैठ के करते हैं, यहाँ पे कोई सोता नहीं है। बट तो यहाँ पे ना देखो, ये जो मैंने बेडशीट मंगवाई है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी। तो ये अभी मतलब आज मैं पहली बारी इसे यहाँ पे मतलब डाल रही हूँ, बिछा रही हूँ। मैंने दो मंगवाई थी, एक येलो कलर की जो मैंने दूसरे रूम में उस दिन दिखाया था भी आप लोगों को, और मैं मुझे ये कलर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ना समर में इस टाइप के जो कलर होते हैं ना, आँखों को चुभते नहीं, एकदम ना फ्रेश फ्रेश और ठंडा ठंडा सा फील होता है। और ऐसे भी मतलब मेरे घर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है गाइस, क्योंकि मैं फर्स्ट फ्लोर पर रहती हूँ, तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो यहाँ पे मैं बेडशीट सही कर रही थी, और ये तो अभी मैं ठीक करूँगी, फिर इस 2 मिनट के बाद इसका फिर वही हाल हो जाना है। बच्चे आते हैं, उछल कूद मचाते हैं, इसी पे पढ़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और मैं दिन भर ऐसे ही ठीक करती हूँ। तो मैं यहाँ पे बेडशीट वही मतलब मैंने मंगवाया था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी उसे मतलब मैंने सोचा चलो कुछ दिन देखती हूँ कैसा है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बेडशीट, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। बेडशीट वगैरह ठीक करने के बाद मुझे मतलब आज कुछ बनाना भी था, तो मैंने सारी तैयारियां कर ली थी। तो मतलब दिन के बाद का ये टाइम था तकरीबन, आप मतलब मेरे ख्याल से 3 लगभग, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 ऐसे ही कुछ बज रहा था। तो मैंने कुछ, और ये देखो मैं दिखा रही हूँ पिल्लो कवर, तो ग्रीन के साथ ये वाइट था। तो मेरे हब्बी जी बोल रहे थे कि ये वाइट ले लिया है तो बहुत ये गंदा वगैरह हो जाएगा, तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, गंदा होगा तो क्या होगा, वाइट इस पर मतलब इसका कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा। तो वही मैं इसे यहाँ पे पिल्लो कवर भी सेट कर रही थी, और ये छोटा सा ही रूम है गाइस, बस इतना ही छोटा सा ही है। तो यहाँ पे बच्चे ही मतलब हम लोग बच्चे पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, और जैसे घर में ऐसा तो हम लोग ही रहते हैं, ऐसे घर में कोई एक्स्ट्रा कोई आ जाता है गेस्ट वगैरह, तो यहाँ पे गेस्ट रूम भी आप बोल सकते हो, मतलब गेस्ट वगैरह तो कोई सोते होते हैं तो इसमें यूज हो जाता है। तो बहुत कम ही मैं यहाँ पे, मैं तो यहाँ पे जल्दी वीडियो शूट भी नहीं करती हूँ, बट मैं क्योंकि मैं अपने रूम में ही शूट कर लेती हूँ, तो यहाँ पे बहुत कम ही होता है बस। लेकिन मॉर्निंग में मैं चाय वगैरह यहीं पे आके पीती हूँ, सामने विंडो देख रहे हो ना आप, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी हवा आती है, तो मैं और मेरे हब्बी जी यहीं पे हम लोग चाय पीते हैं। और देखो मतलब बिस्तर ठीक करते करते मुझे ना मुझे लगा कि मैं सो जाऊँ, तो मैं ना ऐसे ही सो गई। आप लोगों को हंसी आ रही होगी, तो मैं मतलब ऐसे ही करती हूँ जब मैं काम करते करते बहुत थक जाती हूँ ना, तो क्योंकि मैं किचन में भी इसके पहले बहुत सारी तैयारियां करके आई थी, मुझे बनाना था कुछ, तो मैंने सोचा चलो मैं मतलब तैयारी करके रख देती हूँ, फिर इसके बाद जब मतलब रूम वगैरह सेट कर दूँगी ना, तो फिर मैं आ करके फिर बना लूँगी। तो आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी, डीप बहुत डीप में नहीं शेयर करूँगी, बट शेयर करूँगी। ये बेडशीट मैंने जो मंगवाई है वही, तो देखो यहाँ पे मेरा मतलब सारा सफाई वगैरह हो गया है। तो अब कुछ कपड़े वगैरह थे, तो अब मैं जा रही हूँ। तो बताना आप लोगों को कैसा लगा इसका कलर, मुझे बहुत अच्छा लगा, फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया था 2। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे, तो मतलब ये समर का टाइम है ना, तो मैं यहीं पे गैलरी वगैरह में डाल देती हूँ, क्योंकि मैं मशीन में वॉशिंग मशीन में मैंने साफ़ किया था, तो हल्का हल्का ही बस गीला रहता है, तो ऐसे भी दिन में तो बहुत जल्दी घर पर भी डाल दो, समर में तो साफ मतलब सूख जाते हैं, तो मैं यहीं पर फैला रही थी कि ये सूख जाएंगे तब तक। और क्योंकि मैं ना गर्मी के दिनों में शाम में ही कपड़े वगैरह जैसे कि 4 बजे इस टाइप से ही कपड़े डालती हूँ, दिन में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, तो मैं इसी तरह से डालती हूँ। कभी कभी ना मैं हाथ से भी साफ़ करती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े मशीन में साफ़ नहीं करती हूँ, और क्योंकि
जो कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं ना वो मशीन में साफ़ कर लेती हूँ, कभी कभी हाथ से भी साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैंने तैयारियाँ कर ली थी। तो ये है मैदा, और इसको मैंने मतलब कि दूध के साथ इसे मैंने 1 घंटे पहले मैंने इसे रख दिया था मिक्स करके। और ये देखो जो केले है ना, इसको मैं दूध के साथ इसका पेस्ट बना रही हूँ। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स है, उसको मैंने मिक्सी में इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो मैं बना रही हूँ मालपुए। तो अचानक से ना सभी का खाने का मन कर रहा था, तो मेरा क्या है जब भी हमारा मूड होता है तो मैं तो एकदम रेडी हो जाती हूँ बनाने के लिए। बच्चों की फरमाइश तो पूरी करने के लिए मैं तत्पर ही रहती हूँ, बट बेटा नहीं खाता है मीठा वगैरह ज़्यादा। तो यहाँ पे देखो सारे मैदा, फिर जो केला और दूध जो मैंने पेस्ट बनाया था, जितने ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स को सारे को मैंने पीस लिया मिक्सी में। और इस तरह से इसका मैंने एक घोल तैयार कर लिया है। तो इसका ना घोल इस टाइप से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और ये चाशनी मैंने मतलब तैयार कर ली है। तो चाशनी मैंने एक तार की तैयार की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है 2 तार की चाशनी। और ये देखो मैंने गुड़ वाली ये बनाई है, तो इसमें मैंने गुड़ डाला है, और ये मैं चाशनी में बनाऊंगी। तो 2 तरह की मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे देखो चाशनी तैयार करके मैंने रख दिया है, अब मैं मालपुए बनाऊंगी। तो ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं भी खा लेती हूँ, मैं भी खाती हूँ, और घर में सभी को पसंद है, बस मेरा बेटा नहीं खाता है। तो उसके लिए कुछ और बनाऊंगी, तो बस यही था बनाना था मुझे। तो मैं ना थोड़े से भी बनाऊंगी, बाद में जब मेरे हब्बी जी आएंगे ना तो मैं उनके लिए गरम गरम ही बनाऊंगी। और ये ठंडे भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा इस टाइप से यम्मी 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 टेस्टी टेस्टी मालपुए। और ना मैं ना वॉइस ओवर करते करते ही ना मुझे देख के लग रहा था कि मैं ना अजी खा जाऊँ। तो इस टाइप से देखो सारे मतलब मालपुए रेडी हो चुके हैं। तो इसे मैं ना अब चाशनी में डाल दूंगी। इसे ना एकदम स्लो स्लो आंच पे इसको पकाना, ताकि अंदर से एकदम कच्चे कच्चे से ना रहे। और देखो यहाँ पे मैंने इसे चाशनी में डाल दिया है, और इसे मैं ज़्यादा देर नहीं रखूँगी चाशनी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा कोई नहीं खाता है। और इसे थोड़े ना रेड रेड करना है ज़्यादा। और चलो तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल।